बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिंपल पांचटा, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी सोलन। आज मैं बागवानी की बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से लाइफ पेंडिंग थी और इसके साथ साथ एक जो प्रॉब्लम और आती है आजकल हमारे, वो आएगी हमारी माइट की, चाहे रस्ट माइट है, चाहे आपके टू स्पॉटेड है, चाहे यूरोपियन रेड है। अभी मैं आज अपने बगीचे में, पूरे बगीचे में घूमा, क्योंकि मैं दिल्ली तक काफ़ी दिनों से अब्सेंट था, तो मैंने चेक किया कि अभी कहीं भी हमारे को माइट के लक्षण नहीं दिख रहे। अगर माइट के लक्षण नहीं दिख रहे तो इसका मतलब है कि ठंड की वजह से अभी वो मल्टीप्लाई नहीं हुए या उनके एगलिंग हैच नहीं हुए। मगर हम अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ सकते। जो सबसे पहले अगर बायोलॉजिकली आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो आपका 2 लीटर हॉर्टिकल्चर मिलर और HMO जो नॉनी द्वारा भी प्रमाणित है या रिकमेंडेशन में है, आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। मगर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि फंगिसाइड और उसके बीच क्या जल्दी करें। तो मेरा अपना मानना है, भले ही अभी हमारा HMO का टाइम हो चुका है, पहले आप फंगिसाइड की ओर जाए। जिन बागवान साथी को फंगिसाइड हो चुकी है या 5-7 दिन हो चुके हैं, वे लोग HMO पे जाए अब। अदरवाइज आप पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो पत्तों पे जाने की होगी, इसीलिए आप सबसे पहले फंगिसाइड की ओर जाए, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक। उसके बाद आप कुछ दिन के बाद, लगभग आप हफ्ते के बाद HMO की आप 2 लीटर की स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ आपको ऐसा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इंसेक्टिसाइड या किसी भी अन्य, वो ऑटोमेटिकली आपकी सेंजो स्केल को भी कंट्रोल करेगा और उसके साथ साथ आपके माइट को भी कंट्रोल करेगा, चाहे वो रस्ट माइट है, चाहे आपकी टू स्पॉटेड है, चाहे यूरोपियन रेड माइट है। और वो आपके जो फ्रेंडली पॉपुलेशन है, चाहे तोता मामा है हमारे, चाहे हमारे फ्रेंडली माइट है जो दूसरी आती है, तो उसको भी वो नहीं मारता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या स्प्रे कर रहे हैं और उसका पर्यावरण या आपकी उस पर क्या असर पड़ रहा है। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। उम्मीद है ये आपके लिए जो जानकारी है वो काफ़ी सार्थक रही होगी और जो आपकी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मैंने इसमें करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे लोग जो, चलो वैसे समाज में सारे अच्छे बुरे होने चाहिए, कुछ ये लोगों का एक सोशल मीडिया पे एक प्रोपोगंडा भी करते हैं कि जो हम कंपनी की प्रमोशन करते हैं। बागवान साथियों मुझे एक बताइए, अगर आपकी कोई बीमारी है उसका इलाज तो दवाई से ही होगा। वो दवाइयाँ बिक रही है, बिल के साथ बिक रही है, और नॉनी यूनिवर्सिटी और साइंटिस्ट भी रिकमेंड करेंगे क्योंकि डालनी तो दवाई है। ये जो लाइव सेशन होते हैं या जो हम बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको जानकारी है। उनको जानकारी आप अपने समझ से डालिए, मगर जो ऐसे बागवान है जो जिनको ज्ञान नहीं है, जो एब्सेंटी फार्मर है, उनको पता नहीं होता कि हम क्या डालें। अब अगर हम सिर्फ सॉल्ट के बारे में बोलेंगे, क्या हमारा इंडस्ट्री में इतना जागरूक है बागवान वो सॉल्ट से आइडेंटिफाई कर पाएगा? तो इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क की आवश्यकता पड़ती है हमारे।